वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर उपासना। मैं हूँ उपासना। आज मैं हिंदी में कुकिंग रेसिपी बनाऊंगी। मेरा जितना भी कुकिंग रेसिपी रहेगा, मैं सोच रही थी आज से मैं वो हिंदी में करूँ। मैं वैसे बंगाली ब्लॉगर हूँ। आप लोग का अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं हिंदी में भी ब्लॉग स्टार्ट कर लूंगी। तो आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही कीमती है। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन भरता और बटर नान। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन का जो फिलेट है वो मैं ले चुकी हूँ। इसमें चार फिले हैं, तो मैं इसको कट नहीं करूंगी। यहाँ पर मैंने गरम पानी कर रही हूँ, वो गरम पानी में मैं इस डाल दूंगी। उसके बाद मैं हाफ टीस्पून सॉल्ट दे दूंगी, तो सॉल्ट अच्छा से चिकन के अंदर चले जाए। अब मैं इसको कवर करके बॉईल करने दूंगी। मैंने ये बोल पर 2 कॉफी मग मैंने मैदा ले लिया। उसके बाद मैंने 1.5 टीस्पून मैंने ईस्ट को गर्म पानी में 15 मिनट्स तक रख दिया, तो इसको मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैंने नमक डालूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दही ले लिया, योगर्ट 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून में योगर्ट डाल दूंगी। और मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल और उसके बाद मैं डालूंगी धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा से आता है। अब मैं पानी डालूंगी, ये वार्म पानी है। मैंने एक मीडियम साइज का अनियन ले लिया, तो इसको मैं चॉप करके मिक्सर में ग्राइंड करूंगी। अदरक और गार्लिक, मैंने मैदा को अच्छे से गूंथ लिया। अब मैं इसको 2 आवर्स प्लास्टिक के क्रैप से कवर कर दूंगी। ऐसे 2 घंटा इसको मैं रख दूंगी। मीनवाइल उसके बाद मैं मिक्सर में इसके अंदर मैं 1 टमाटर भी डालूंगी। ये रहा मेरा बॉयल चिकन। इसको अब मैं ठंडा होने दूंगी 15 मिनट्स। उसके बाद चॉप करूंगी छोटे छोटे पीस करके। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक अनियन एंड चिली एंड टमाटो पेस्ट। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। अब मैं मसाला ऐड करूंगी, क्यूमिन पाउडर, जीरा, टर्मरिक पाउडर, हल्दी और मैं डालूंगी
रेड चिली पाउडर। यहाँ पर जो अनियन का जो स्मेल आ रहा है, इतना अच्छा अनियन का जो फ्लेवर का जो स्मेल आता है, इतना अच्छे से आ रहा है, मैं क्या बोलूं। और मैंने ले लिया फ्रेश सावर क्रीम। ये क्रीम बटर चिकन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अभी नहीं डालूंगी, अभी मसाला डाल के फिर उसके बाद मैं इसको डालूंगी। अनियन का जितना पानी है वो पहले सूख जाए, उसके बाद मैं मसाला ऐड करूंगी। वो पानी सूखने के लिए 5 मिनट मुझे और अनियन को फ्राई करना है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी। उसके बाद मैं डालूंगी क्यूमिन पाउडर। उसके बाद मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर। अब मैं डालूंगी सॉल्ट। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। बहुत ही अच्छा एक अरोमा आ रहा है इसमें से, बहुत अच्छा एक स्मेल। मैंने यहाँ पर चिकन भी शेड करके ली हूँ, बॉयल चिकन जो है। मेरा जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन गया। अब मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड चिकन। अब वो बॉइल्ड चिकन को वो ग्रेवी से अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। वाओ, तो मेरा ये कुक हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम। ये मेरा चिकन भरता इज रेडी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करूंगी। ये रहा मेरा क्रीम, तो इसको मैं गार्निश करने के लिए ऊपर थोड़ा सा मैं क्रीम डाल दूंगी। मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर। ये रहा मेरा चिकन भरता। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बना है। एंड प्लीज फॉलो माय रेसिपी, एंड प्लीज सपोर्ट मी, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ये है मेरा मैदा, मैंने इसको अच्छे से गूंथ के रखी थी 2-3 आवर्स। अभी मैं नान के शेप में इसको बनाऊंगी। और ये नान पे
आप चाहे गार्लिक और बटर एक साथ मिला के इसके ऊपर डाल सकते हैं ब्रश, तो वो हो जाएगा गार्लिक नान। तो आज मैं तो गार्लिक यूज नहीं की हूँ, मैं सिर्फ आज बटर। फिर मैं इसके ऊपर से बटर सबसे पहले मैं ही ट्राई करती हूँ। पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हुआ है, बहुत ही अच्छा बना है। आप लोग प्लीज घर में ट्राई कीजिए, ये नान के संग, पराठा के संग, रोटी के संग बहुत अच्छा से जाएगा। तो प्लीज ट्राई दिस रेसिपी। बाय।